हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो कि पुलिस, रेलवे, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला जो प्रश्न होता है। तो देखिएगा, दिया है 12 के सभी धनात्मक गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए। इसका यह मतलब है कि दोस्तों की 12 किससे किससे कटेगा, यानी किसका किसका यह गुणनखंड होगा, यानी किसका किससे भाज्य होगा, इसी का मतलब है गुणनखंड ज्ञात करना। तो हम इस तरह देखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा दोस्तों, एक से भी यह कट जाएगा, दो से भी, तीन से भी, चार से भी, छह से भी, बारह से भी। तो इस तरह हमें लिख कर गिनना होगा, तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, जो कि इस तरह हमें गिनेंगे तो आपका हो जाएगा 3 और 3 6 आंसर, यानी 6 संख्याएं इसका जो गुणनखंड होगा वो 6 होगा। तो इस तरह हम कंपटीशन में नहीं लगाएंगे, देखिएगा इसका हम लसा ले लेंगे 12 का, तो हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। इस प्रकार से आप लसा ले लीजिएगा, लसा को यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 के पावर 2 × 3 के पावर 1। अब आपको करना क्या है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो इसकी घात है, घात घात में 1 जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा 2 × 1, 3 हो जाएगा, और इसकी घात देखेंगे 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, अर्थात गुणनखंडों की संख्या 6 हो जाएगा। कहने का यह मतलब है कि जब आपसे सभी धनात्मक गुणनखंड पूछेगा, तुरंत आप लसा लीजिएगा, उसको घात के रूप में लिखिएगा और घात में 1-1 जोड़कर गुणा कर देंगे, आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है 160 के धनात्मक गुणनखंड क्या होंगे, तो ठीक उसी प्रकार से लगाएंगे, क्योंकि इस तरह गिनेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, ज्यादा समय हो जाएगा। तो यहाँ पे लसा ले लेंगे आप, तो हो जाएगा 2 से 80 में कटा लेंगे, फिर यहाँ पे 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 × 5, अर्थात कहने का यह हो जाएगा कि 2 के पावर 5 और 5 के पावर हो जाएगा 1। जब गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो घात में 1 जोड़ दीजिए, तो ये 5 है तो 1 जोड़ेंगे तो 6, घात इसकी 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे 2, अर्थात इसके गुणनखंडों की संख्या 12। इसके मतलब हो जाएगा कि 12 संख्याएं जो होगी 160 को काट देगी। अगला नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा 40 के धनात्मक गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसमें फिर वही काम करिएगा, लसा ले लीजिएगा 40 का, तो आपका हो जाएगा 2 20, 2 10, 2 5, 5 1। यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 3, यानी कि 2 जो 3 ठो है और 5 1 है, इसमें हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो घात में जोड़ेंगे, जो आधार है उसके से नहीं मतलब है, जो घात है, घात इसका 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, गुणते इसका घात 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या 8 हो जाएगी। इसका मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसका यह मतलब कि 8 संख्याएं ऐसी है जो 40 को काट देगी। नेक्स्ट देखिएगा, बोल रखा है कि 48 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, जबकि 48 शामिल नहीं है, यानी कि 48 इसको नहीं काटना चाहिए। फिर ठीक उसी प्रकार से इस सवाल को भी लगाएंगे, लसा लेंगे, तो हो जाएगा 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1, अर्थात हो जाएगा 2 के पावर 4 × 3 के पावर 1। अब हम करेंगे क्या कि इसमें केवल जब भी धनात्मक गुणनखंड निकालना हो, आप केवल घात में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 4 है तो इसमें जोड़ देंगे 5, यहाँ 1 घात है तो हो जाएगा इसमें जोड़ेंगे तो 2, अर्थात टोटल 10 संख्याएं जो हैं 48 को काटेगी, लेकिन इसमें 10 आंसर नहीं होगा, बोला है कि 48 शामिल नहीं है, यानी 1 संख्या इसमें शामिल नहीं है, तो टोटल 48 में से 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 48 के धनात्मक गुणनखंड जिसमें 48 शामिल नहीं है उसका आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें दे रखा है 120 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, जबकि 120 व 1 शामिल नहीं है, फिर वही काम करेंगे, लसा लिया जाएगा, 2 हो जाएगा 60, 2 3 60, यहाँ हो जाएगा 2 15, 3 5 5 1, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, 3 1 है, 5 इसमें भी 1 है,
तो हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो पहले हम धनात्मक गुणनखंड निकाल लेंगे। इसमें घात में जोड़ेंगे एक तो चार, इसकी घात एक है एक जोड़ेंगे तो दो, इसकी घात एक है तो एक जोड़ेंगे दो, अर्थात कुल गुणनखंड चार दुना के आठ दुना के 16। लेकिन बोला जा रहा है कि उसमें 120 और एक शामिल नहीं, दो संख्याएं जो होगी उसमें शामिल नहीं है, तो दो ठो घटा लेंगे तो हो जाएगा आपका 14 आंसर, यानी 14 संख्याएं ऐसी होगी जो 120 के धनात्मक गुणनखंड काटने वाली होगी, जिसमें 120 और एक शामिल नहीं होगी। तो देखिएगा आगे नेक्स्ट हो जाएगा आपका, अब टाइप दो, अब आपसे वो नहीं पूछा जाएगा, यानी अब आपसे पूछा जाएगा 12 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग, यानी जितनी संख्याएं इसे काट रही है उन समूह का योग क्या होगा। तो यहां पे हम इस तरह लगाएंगे, एक से कट जाएगा, दो से, तीन से, चार से, छह से, बारह से, तो फिर जोड़ेंगे तो हमारा लेट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का यह मतलब हो जाएगा कि आप इसको सभी को जोड़ेंगे तो 12 छह 18, चार 22, तीन 25, दो 27, एक 28, यानी जो संख्याएं 12 के गुणनखंड होंगे उन सबों का योग जो होगा 28। लेकिन इस तरह हम पेपर में नहीं लगाएंगे, जो कि अब इसका हम लसा ले लेंगे 12 का, 12 का आपका लसा हो जाएगा दोस्तों 2 छका 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम, यानी कि 2 के पावर 2 ठो 2 है, 3 1 है। इसमें क्या करना है कि जब गुणनखंड धनात्मक निकालना है योग, तो यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कर देंगे 2 पावर 0 से धन 2 पावर 1 धन 2 पावर 2। इसका मतलब यह हो जाएगा दोस्तों कि जहां तक पावर है वहां तक उस संख्या को लिखेंगे, और गुणे 3 पावर 0 धन 3 पावर 1, इन दोनों का हम मान निकाल कर इसमें आपस में गुणा करेंगे, पता चल जाएगा कि इसका जो काटने वाली संख्याएं थी इसका योग क्या था। ये 2 पावर 0 का मान 1, यहाँ हो जाएगा 2, 2 दुना के हो जाएगा 4, यहाँ 3 पावर 0 का मान 1, 3 हो जाएगा 4, 2 6 1 7, अगुणे 4 तो 7 चौक 28 आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि जो संख्याएं 12 को काट रही थी उन सबों का योग 28 होगा। इस तरह आप लोग लगाएंगे कंपटीशन में। देखिएगा नेक्स्ट बोल रखा है कि 60 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करिएगा दोस्त, 60 का लसा ले लीजिएगा, 2 3 2 15, 3 5 5 1, यानी अभी भी बोल रहा है कि गुणनखंडों का योग ठीक उसी तरह करेंगे, 2 के पावर 2, 3 इसमें 1 है, 5 भी 1 है करेंगे। जब हमें योग निकालना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर 0 धन 2 पावर 1 धन 2 पावर 2, वहीं तक लिखना है जहाँ तक पावर है। आगे हो जाएगा 3 पावर 0 धन 3 पावर 1, अगुणे 5 पावर 0 गुणे 5 पावर 1, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो अब आपका हो जाएगा 2 पावर 1 का मान 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3 पावर 0 का मान 1 अधन 3 गुणे 5 पावर 0 का मान 1 और प्लस 5। अब जोड़ेंगे 4 2 6 1 7, 3 1 4, 5 1 6, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 चौका 24, 7 1 169, 169। यानी कहने का यह मतलब है कि 60 के काटने वाली संख्याओं का योग 169 हो जाएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट, 80 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। इस बार ना तो प्राकृतिक पूछा, इस बार विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो आपको करना है कि 80 के विषम, तो आपने लसा ले लेंगे, केवल लसा ले लेंगे, हो जाएगा 2 40, 2 विषम, 2 दहामे, 2 5, 5 1, यानी ये दोस्तों जो आंसर हो जाएगा इसका, इसमें हम करेंगे 2 के पावर 4 गुणे 5 1 है तो 5 के पावर 1। इसमें बोला है कि 80 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना है कि जो विषम संख्याएं दिख रही है, विषम केवल विषम दिख रही है, उसी के घात को हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, केवल विषम यही 5 है, अब 5 की घात 1 है, 1 इसमें बढ़ा लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 संख्याएं ऐसी होगी जो 80 के विषम गुणनखंड होंगे। सम कुछ से आपसे नहीं मतलब है, सम आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 2 से कटाएंगे 180, 2 से हो जाएगा 90, 2 45, 3 15, 3 5, 5 1, अर्थात यहाँ पे जो बन रहा है 2 पावर 3, 3 का 2 टो है 3 स्क्वायर, 5 पावर 1,
अर्थात पूछा जा रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या। अभी आपसे बताया गया जब विषम पूछे तो सम संख्याओं से मतलब नहीं है, यानी इससे आपसे मतलब नहीं है, मतलब केवल इससे और इससे। इसकी घात दो है, इसमें जोड़ देंगे एक तो तीन हो जाएगा, ये भी पांच विषम, इसकी घात एक है, इसमें जोड़ देंगे दो, तीन दुना के छह, तो संख्या ऐसी होगी जो 360 को विषम होगी और वह काट देगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर छह हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 50 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। अब ठीक उसी प्रकार से इस बार योग पूछ दिया है, टाइप नंबर चार का जो प्रश्न होगा, तो हम यहां पे एलसीएम या लसा लेंगे, 2 25 सम हो जाएगा, 5 5 5 एकम, जो इसका लसा यानी कि आ रहा है 2 पावर 1 और 5 पावर 2, इसमें विषम गुणनखंडों का योग पूछा जा रहा है, तो आप सम वाले को छोड़ देंगे, केवल मतलब होगा विषम से, इसका योग हम निकालेंगे, तो 5 पावर 0 धन 5 पावर 1 धन 5 पावर 2, तो इसका मान 1 5 25 25 5 30 1 31, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 31। यानी कि इसमें जो 50 को संख्याएं विषम संख्याएं काटेगी उसका जो योग होगा टोटल आपका 31 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दे रखा है 120 के सभी सम धनात्मक गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। इस बार पूछा है आपसे सम, विषम नहीं, ना ही प्राकृतिक पूछा, इस बार सम पूछा है। ठीक उसी प्रकार से आप लसा लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 2 60 2 30, लसा आप लोग ले लीजिएगा, 3 5 5 1, यानी कि 2 के पावर 3, इसमें 3 ठो 2 है और 3 1 है, तो 3 पावर 1 5 पावर 1। अब आपको करना क्या है कि सभी सम धनात्मक गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। इस बार आपको याद रखना है कि यहाँ पे सम निकालना है, सम, तो सम की संख्या को केवल उसी तरह छोड़ देंगे इसमें, यानी जो यहाँ पे सम दिख रहा है दोस्तों उसकी जो घात है इस बार हम जोड़ेंगे नहीं, उसी तरह लिख देंगे, यानी 3 लिख देंगे और विषम वाली घातों में एक एक जोड़ लेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। विषम की घात 1 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ 5 की पावर 1 घात है, इसमें भी जोड़ेंगे, जितनी भी सम संख्याएं होंगी उसमें आप जोड़िएगा, लेकिन सम संख्या में आपको नहीं जोड़ना है, इसकी घात 1 है तो 1 जोड़ लेंगे, 2 3 दुना 6 दुना 12, यानी 12 संख्याएं जो होगी 120 को सम संख्याएं वो काट देगी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट इस बार बोला कि 360 के सभी सम धनात्मक गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो आइए देखा जाए, यहां पे हो जाएगा लसा ले लेंगे आप, 2 से तो 180, 2 से कटाएंगे तो आपका 90, 2 से कटाएंगे 45, 3 15, 3 5 5 1, लसा तो आप ले ही लेंगे, यहाँ पे 3 ठो 2 है तो 2 के पावर 3 लिख लेंगे, 3 2 ठो है तो स्क्वायर हो जाएगा, 5 1 है, इसमें इस बार योग निकालना है दोस्तों, यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या ना निकाल कर योग निकालना है, तो आपका हो जाएगा जो योग होगा, तो इसको हम करेंगे कि 2 पावर 1, यहाँ पे 2 पावर याद रखना है आप लोग को कि 2 पावर 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम अभी इसके घात में हम जोड़ नहीं रहे थे, तो आप उसी तरह 2 पावर 0 इसमें नहीं लिखना है, सम वाले में नहीं लिखना है, तो जाएगा 2 पावर 2 धन 2 पावर 3, ये कहां तक लिखना होगा, जहां तक उसकी घात होगी, गुणे इसमें 0 लगा कर लिखेंगे, विषम वाले में हमेशा लिखा जाएगा, 3 पावर 0 धन 3 पावर 1 धन 3 पावर 2 गुणे 5 पावर 0, ये भी विषम है तो ये भी लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 पावर 0 किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 लिखे 9 हो जाएगा, 5 पावर 0 का मान 1, यहाँ 5 हो जाएगा, 8 4 12 2 14 9 1 10 3 13 यहाँ हो जाएगा, अब 5 1 6, यानी आप गुणा करेंगे तो 14 6 84 और गुणे 13 13 4 52 को 2 हाथ में लगा 5, 13 8 104 104 और 5 हो जाएगा 109। इस प्रकार से आपका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा 1092, यानी कि 1360 को जितनी सम संख्याएं काटेगी उन सबों का योग 1092 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे अब दे रखा है कि 320 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। टाइप अलग होगी दोस्तों, अब इस बार न तो प्राकृतिक पूछा है, न तो यहाँ पे सम पूछा है, ना ही विषम पूछा है, यहाँ पे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अब ठीक उसी प्रकार से लसा लेंगे, 320 तो जाएगा 160 80 40 20 10
5, 5, 1 आप लोग लसा ले लीजिएगा। यहां पे लिखना है 2 कितने हैं, 6 है, तो 2 पावर 6 और 5 पावर 1, इसमें अभाज्य बताना है दोस्तों। तो अब घातों से मतलब नहीं होगा, जो आधार है उन्हीं सब से मतलब हो जाएगा। इसका 2 है जो कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। नीचे वाले को केवल गिनकर आप जोड़ लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 2 और 5 मिलकर 2 संख्या अभाज्य है, तो इसका आंसर दोस्तों 2 केवल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 80 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप ठीक उसी प्रकार से 80 का आप लसा लेंगे, 2 40 2 20 2 10 2 5 5 1। फिर यहां पे 2 पावर यहां पे 4 आ रहा है, 4 2 है और 5 1 है, तो आप इतना तो आप लिख ही लेंगे। यहां पे अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा, अभाज्य कुछ नहीं, इस बार घात से नहीं मतलब होगा, आधार, बस आधार को गिनकर जितने अभाज्य होंगे उसी को आप जोड़कर लिख लीजिएगा। यानी ये 2 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, तो आपका आंसर 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। यानी कि 2 संख्याएं अभाज्य होगी जो 80 को क्या करेगी, काट देगी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इस बार पूछा 120 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा, अर्थात आप 120 का आप लसा लीजिएगा, हो जाएगा 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1 5। अब आप लिखेंगे 2 पावर 3 3 1 2 5, इसमें 1 है, लेकिन अभाज्य गुणन, पहले तो अभाज्य हम पता करेंगे, आधार से निकालेंगे, 1 2 अभाज्य 3 अभाज्य 5 अभाज्य, अभाज्य की संख्या पूछता तो आपको 3 आंसर मार देते, लेकिन अभाज्य गुणन खंडों का योग पूछा है, तो ठीक आप निचले वाले आधार को जोड़ लीजिए, 2 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 3 8 2 10। यानी कि कहने का मतलब है यह दोस्तों कि 120 को जो अभाज्य गुणनखंड काटेंगे वो आपके 3 ठो काटेंगे और उन्हीं 3ों का योग 10 होगा।